तो दोस्तों ये 19 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन अमेरिकन लेडी मिकेला दुनिया की सबसे फेमस एआई इन्फ्लुएंसर में से एक है, जिनका जन्म 2016 में इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करके हुआ। फिलहाल अभी इनके 2.6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। इन्हीं के साथ की एक मॉडल 230K फॉलोअर्स वाली बरमूडा है, जिसका एल्वाको एआई के साथ काल्पनिक रिलेशनशिप है। ऐसे ही एक एआई इटाना लोपेज है, जिनके 303K फॉलोअर्स हैं। ये सब के सब फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जिसे सीजीआई द्वारा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग की, तो लिल मिकेला हर साल मिलियन डॉलर कमाती हैं। अब भारत भी इस फील्ड में पीछे तो रहने वाला नहीं है। हमारे पास नैना, क्यारा, टिया और श्रव्या जैसे एआई इन्फ्लुएंसर हैं। सबकी अपनी अलग अलग फर्जी कहानी है और सब चीर के पैसा कमाती हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, आप भी बनाओगे ऐसा एआई इन्फ्लुएंसर? तो पहले इन सबकी प्रोफाइल देख लो और एआई इन्फ्लुएंसर मॉडल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं। आई बटन पर क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन चेक करके देख लो, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एआई इन्फ्लुएंसर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए इसके प्लेसेस, पोज, व्यूज और फेस ऑफ एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए मॉडल क्रिएट करना बताया हूँ। तो जैसे ये मॉडल चीर के पैसा कमा रही हैं और आप भी चीर के पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो देर किस बात की है भाई, आप भी चैनल को चीर के सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें दया लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग इमेज जनरेटिंग सॉफ्टवेयर फोकस का इस्तेमाल करेंगे, जो ग्रेडियो पर बेस्ड है। यह स्टेबल डिफ्यूजन और मिड जर्नी का कॉम्बिनेशन है, मींस इनसे ट्रेंड है। इस सॉफ्टवेयर की खास बात ऑफलाइन, ओपन सोर्स और 100% फ्री टू यूज है। तो दोस्तों इस फोकस का इस्तेमाल कर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से एक यूनिक एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट करेंगे, देन इमेज को अप स्केल करना, फेस एक्सप्रेशन ऐड करना लाइक हैप्पी और सैड, पैराकैनी प्रोसेस, फेस स्वाइप, इमेज इनपेंट और आउट पेंट जैसे टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे लेट्स क्रिएट एआई इन्फ्लुएंसर। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोलैब एआई लिंक पर क्लिक करें, देन आपके सामने एक यूआई शो होने लगा। अब आपको कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कोलैब एआई आपके जीपीयू से जुड़ सके। तो कनेक्ट होते ही यहाँ बॉटम में ग्रीन सर्कल शो होने लगेगा। अब आपको यहाँ मीडिया आइकन पर क्लिक कर सेल को रन कर लेना है। तो इसके लिए इस पॉपअप मैसेज में रन एनीवे पे क्लिक करें और जब तक ये सेल एग्जीक्यूट होगा तब तक फोकस सॉफ्टवेयर यूज करने का एक तरीका और बता देता हूँ, जिसमें आपको ये सब कोई भी प्रोसेस करने की नीड नहीं होगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में फोकस सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर डाउनलोड कर लें, जो कि फाइल साइज 1.82 GB तक का है। फिर आप इसे रन करके बिना इंटरनेट मींस ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ ऐप यूज होने के लिए रेडी हो गया है, तो आप इन दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक कर लें, देन आपको एडवांस्ड चेक को टिक कर लेना है। यहाँ राइट में कुछ सेटिंग्स है जिन्हें समझ लेना है। प्रीसेट्स में इनिशियल या बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। परफॉर्मेंस में बाय क्वालिटी सेलेक्ट कर लिया। एक्सपेक्ट रेशियो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, मैं यहाँ 1:1 सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ इमेजेस 1 time में कितना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 32 ले सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ 2 लेता हूँ। आउटपुट फॉर्मेट PNG रखते हैं, क्योंकि इसमें कम साइज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जो इमेज में नहीं चाहिए होता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। देन रैंडम को अनटिक कर लेंगे, जिससे सीड नंबर शो होने लगेगा और इस सीड नंबर से आप अपने मॉडल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब आपको स्टाइल वाले सेक्शन में आ जाना है, जो जैसे टिक है उसे एज इट इज रहने देते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उसी तरह मॉडल और एडवांस्ड ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। अब मैं यहाँ एक सीड नंबर ले रहा और एक तगड़ा सा प्रॉम्प्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। वैसे प्रॉम्प्ट के लिए आप चैट जीपीटी या किसी इमेज से प्रॉम्प्ट कॉपी करने के लिए tensor.art या leonardo.ai जैसे टूल का यूज कर सकते हैं। अब आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ एक लाइव टेक्स्ट टू इमेज बनना शुरू हो गया, जिसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में हमारे दो एआई इन्फ्लुएंसर बनके रेडी हो गई हैं, जैसा कि हमने दो इमेज का कमांड दिया था। ये कितना रियलिस्टिक है आप देख के ही समझ सकते हैं। अब अगर आपको ये इमेजेस समझ में नहीं आ रहा तो आप सीड नंबर या प्रॉम्प्ट में बदलाव कर सकते हैं। तो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू सिचुएशन बदल रहा हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कॉफी शॉप का रख लेते हैं, जिसमें कुछ लोग कॉफी एंजॉय कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर रिलैक्स मूड में कॉफी लिए बैठी है। देन जनरेट पे क्लिक कर देंगे और दो बेहतरीन इमेजेस आपके सामने बनते हुए आ गया। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन इनमें से मैं इसको चुनता हूँ। तो इस तरह से हमने मॉडल बना के तो तैयार कर लिया। अब इसी इमेज के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ इनपुट इमेज को टिक कर लेना है। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन ओपन होके आ गया, जिसमें पहला है अप स्केल और वेरिएशन। इसमें इमेज को इन तीन ऑप्शन से इनहेंस करेंगे, देन वेरी से एक्सप्रेशन लाएंगे। तो मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, या आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट। देन अप स्केल फास्ट 2x सेलेक्ट कर जनरेट पर क्लिक कर दिया। कुछ ही देर में इमेज बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज कितना बेहतर है। अब अगर आप अपने इन्फ्लुएंसर को हंसाना या रुलाना चाहते हैं, तो इसके लिए वेरी सेबडल पर टिक कर प्रॉम्प्ट में एंजॉयमेंट को स्माइलिंग कर दें, देन जनरेट पर हिट कर दें। थोड़ी ही देर में स्माइलिंग फेस के साथ आपका मॉडल तैयार हो जाएगा। अब इमेज
प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन एडवांस्ड को टिक कर लेना है। अगेन इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। मान लीजिए कि आपको किसी इमेज का पोज बहुत अच्छा लग रहा है और आप अपने मॉडल को उसी पोज में देखना चाह रहे हैं, जैसे ये इमेज है, तो इसके लिए उस इमेज को यहाँ क्लिक कर अपलोड कर लें, देन पैरा कैनी ऑप्शन चुन लेंगे। अब जनरेट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसी पोज में इन्फ्लुएंसर रेडी हो जाएगी, जो आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब रिजल्ट निकल के आया है। अब आप अपने एआई मॉडल के फेस को स्वाइप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक टू अपलोड कर लें। तो ये हमारा इमेज है और इसको इस इमेज से स्वाइप करना है, तो यहाँ फेस स्वाइप को सिलेक्ट कर लें, देन यहाँ दूसरा इमेज भी अपलोड कर फेस स्वाइप को चुन लें। अब प्रॉम्प्ट को एम्प्टी रखना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इमेज में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, तो है ना कमाल का फेस स्वाइप फीचर। बाकी आप यहाँ क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इनपेंट या आउटपेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। फिर से आपको इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। आप इमेज को अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं इसे बॉटम में एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसे टिक कर लिया। देन हिट द जनरेट बटन और थोड़ी ही देर में गजब का रिजल्ट निकल के आया, जो आप देख सकते हैं। अब अगर आप और भी डिटेल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मेथड वाले सेक्शन में जाके इम्प्रूव डिटेल्स को सिलेक्ट कर लें। तो मैं इसके आईज को और खूबसूरत बनाना चाह रहा हूँ, इसके लिए आईज वाले एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लिया। देन इनपेंट एडिशनल प्रॉम्प्ट में ब्यूटीफुल ब्लू आईज लिख कर जनरेट पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए सिर्फ आंखों पर काम हो रहा है, थोड़ी देर में नीली आंखों वाली एआई इन्फ्लुएंसर बन के रेडी हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी पोज में किसी भी एक्सप्रेशन के साथ एआई मॉडल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग एआई मॉडल के पोजेस और एक्सप्रेशंस को एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए द एआई लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।